विशेष आहरण अधिकार SDR ना तो मुद्रा है और ना ही IMF पर दावा, बल्कि यह IMF के सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के एवज में SDR का आदान प्रदान किया जाता है। SDR IMF और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है। SDR की मुद्रा कीमत का निर्धारण US डॉलर में मूल्यों को जोड़कर किया जाता है, जो बाजार विनिमय दर मुद्राओं की एक SDR बास्केट पर आधारित होता है। मुद्राओं की SDR बास्केट में US डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग एवं अन्य वर्ष 2016 में शामिल हैं। SDR मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन होता है एवं मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा तथा इसका संयोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। कोटा को SDRs में इंकित किया गया है। किसी देश का कोटा IMF में योगदान की गई राशि SDR में अंकित होता है। सदस्य देशों का मतदान अधिकांश सीधे उनके कोटे से संबंधित होता है। IMF अपने सदस्यों को उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में सामान्य SDR आवंटित करता है। IMF में भारत का कोटा। वर्ष 2016 में IMF में कोटा और प्रशासन संबंधी सुधार हुए। इसके अनुसार भारत का मतदान अधिकार 0.3% बढ़कर 2.3% से 2.6% हो गया है और चीन का मतदान अधिकार 2.2% बढ़कर 3.8 से 6% हो गया है। वर्तमान में भारत के पास IMF में विशेष आहरण अधिकार कोटा का 2.75% और वोट 2.63% है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में IMF से स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा संपत्ति और रिजर्व ट्रेंच के अलावा अन्य विषय आहरण अधिकार भी शामिल हैं।